इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन तेज हो चुका है। एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में शूटर गुलाम के घर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। शूटर गुलाम पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। सीधी तस्वीर है प्रयागराज से उमेश पाल हत्याकांड में, हम आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर का एक बार फिर एक्शन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शूटर गुलाम के घर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें किस तरीके से इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं एक एक कर उनके घरों पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर से यहां कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से प्रयागराज में पीला पंजा चलता हुआ दिख रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन प्रशासन की तरफ से। तस्वीरें देख रहे हैं आप एक एक कर। इससे पहले भी कई आरोपियों के घर पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला, हालांकि प्रशासन की तरफ से तर्क कुछ और दिए जा रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शंस का हवाला देकर यहां पर एक एक कर जो भी शूटर्स पाए जा रहे हैं इस पूरे मामले में, उमेश पाल हत्याकांड में शूट आउट मामले में, उनके घरों पर इस तरीके से कार्यवाही हो रही है। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको न्यूज 24 पर। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है। इलाके के लोग भी पहुंचे हैं यहां पर और पुलिस बल की काफी तैनाती है यहां पर। उमेश पाल हत्याकांड में एक बार फिर बुलडोजर का एक्शन, शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर चल रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है गुलाम का घर, और गुलाम पर, शूटर गुलाम पर पहले ही इनाम घोषित किया गया, 5 लाख का इनाम। और यहां पर कार्रवाई होते हुए आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उसके घर को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है जो आरोपी हैं उन पर दबाव बनाने के लिए कि वो जल्द से जल्द सरेंडर करे, आत्मसमर्पण करे, नहीं तो प्रशासन का ये एक्शन जारी रहेगा। प्रयागराज शूट आउट में एक और बड़ी कार्रवाई, 5 लाख इनाम घोषित किया गया था शूटर गुलाम पर, अभी भी उसने सरेंडर नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया। नतीजतन एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है, एक बड़ी कार्रवाई। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर शूटर गुलाम के घर पर कार्रवाई हो रही है। थोड़ी देर पहले ये ठीक ठाक इमारत थी, एक मकान था, और बुलडोजर अपना काम करता हुआ अब यहां पर मलबे दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से बुलडोजर चला और धराशायी होता हुआ ये मकान, शूटर गुलाम के घर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। जो भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं उन पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर सख्त संदेश है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों को एक सख्त संदेश है कि कोई भी आरोपी हो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, मामला चाहे जो भी हो। फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड में ये बड़ी कार्रवाई आप देख पा रहे हैं, बुलडोजर वाला इंसाफ देखने को मिल रहा है। सवाल ये कि क्या ऐसे अपराधी होंगे उत्तर प्रदेश में साफ, ये कैसा इंसाफ, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं पक्ष की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है अपराधियों को उत्तर प्रदेश में मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो क्या ये वही कार्रवाई है अपराधियों को मिट्टी में मिलाने वाली? तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगाता आ रहा है इस तरह की कार्रवाई पे, खास तौर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पे, कि ये इंसाफ करने का कौन सा तरीका है। लेकिन फिलहाल हम लगातार देख रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में एक एक कर जो भी आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे पहले भी कई कार्रवाई हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर हम बात कर रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड की। 5 लाख का इनामी शूटर अभी तक फरार चल रहा है गुलाम, और कोशिश है कि इसी तरीके से एक सख्त संदेश देने की कोशिश की जाए कि जब तक जो आरोपी हैं, प्रयागराज शूट आउट के आरोपी हैं,
वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएंगे। पुलिस अपना काम करती रहेगी, प्रशासन अपना काम करता रहेगा, कोई भी अपराधी कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रयागराज में एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। लाइव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। 5 लाख का इनामी शूटर गुलाम अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस लगातार अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लगातार अपने तरीके से पुलिस एक्शन ले रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। उसी कवायद में आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, प्रयागराज से लाइव तस्वीरें। उमेश पाल हत्याकांड में एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 24 आप तक पहुंचा रहा है ये तस्वीरें। और आपने सीसीटीवी फुटेज भी देखा था किस तरीके से गुलाम ने दुकान से निकलकर गोली चलाई थी, कई राउंड की फायरिंग की थी। ये वही शूटर है गुलाम, जिसके घर पर आज पीला पंजा चल रहा है। बुलडोजर अपना काम करता हुआ, और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि आसपास कई दुकानें हैं, उन दुकानों को खाली कराया गया है एहतियातन, आसपास के लोगों को भी वहां से हटाया गया है और यहां पर बुलडोजर पहुंचा। गुलाम मोहम्मद की दुकान पर दरअसल ये बुलडोजर चल रहा है, ये शूटर गुलाम मोहम्मद की दुकान थी और पुलिस ने यहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। शूटर गुलाम पर हम बार बार कह रहे हैं आपको 5 लाख का इनाम घोषित किया गया। पंकज इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, हमारे संवाददाता पंकज, जरा डिटेल्स दीजिए एक बार फिर से। प्रयागराज शूट आउट मामले में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इनाम भी घोषित किया गया है गुलाम पर, और अब आज उनकी दुकान पर बुलडोजर का एक्शन, क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? ये देखिए, ये वही काम जो सीडी में दिखाई दे रहा है, दुकान के अंदर जो सामान खरीदने के लिए खड़ा हुआ है और वहाँ पे पहले से तुरंत ही निकल के बाहर वही गुलाम है जिसको तो घोषित किया है। पंकज, तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही है क्लियरली हमारे दर्शकों तक और हम तक, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे जुड़ने की। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 24 आप तक ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें पहुंचा रहा है। ये वही शूटर है जिसने कार से निकलकर लगातार फायरिंग की थी, शूटर गुलाम की ये दुकान जहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ अपना काम करता हुआ, शूटर गुलाम की दुकान को ध्वस्त करता हुआ ये बुलडोजर, तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसपास कई दुकानें हैं और उन दुकानों के बीचों बीच यहां पर शूटर गुलाम की ये दुकान जिस पर प्रशासन ने एक्शन लिया है, ये कार्रवाई की है। तो देखिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाला इंसाफ देखने को मिल रहा है। मैसेज साफ है, संदेश साफ है, जो आरोपी है प्रयागराज शूट मामले में वो जल्द से जल्द सरेंडर करे, आत्मसमर्पण करे, नहीं तो पुलिस की यह कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए किस तरीके से गुलाम मोहम्मद की दुकान पर बुलडोजर चल रहा है, और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज शूट आउट के वक्त की सामने आई, और उमेश पाल ने किस तरीके से ये वही गुलाम की बात हम कर रहे हैं यहां पर, उमेश पाल हत्याकांड में उसने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तस्वीरों से साफ हो गया था कि गुलाम ने किस तरीके से यहां पर दहशत फैलाने की कोशिश की। रुक करेंगे एक बार फिर से प्रयागराज का, हमारे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ चुके हैं। अशोक, एक बार फिर से बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल रहा है प्रयागराज शूट आउट मामले में, क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? प्रशासन की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है, क्या फिर से वही इलीगल कंस्ट्रक्शन, या फिर सामने से एक्सेप्ट किया भी जा रहा है कि ये प्रयागराज मामले में ही उमेश पाल हत्याकांड मामले में ही कार्रवाई है? देखिए सबसे अहम बात तो ये है कि प्रयागराज के जो उमेश पाल हत्याकांड पूरा मामला है, इसमें जो शूटर मोहम्मद गुलाम था उसके ऊपर पहले 5 लाख रुपए का इनाम भी
घोषित किया गया था और उसके बाद तमाम सारी संपत्तियां जो अवैध रूप से निर्मित की गई थी उसको लेकर जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उसको सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए थे कि जितने भी स्टूडेंट पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे हैं या जिन्होंने भी अवैध संपत्ति निर्मित की है उनकी पूरी सूची तैयार की जाए। और आपको याद होगा कि होली के पहले कुछ दिनों तक तमाम सारे जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए लोग थे जिनकी भूमिका इस पूरे हत्याकांड में संदिग्ध पाई जा रही थी उनके खिलाफ चाहे पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिली हो या इसके अलावा प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी। आज जो मोहम्मद गुलाम जो कि उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी बदमाश है उसके घर पर प्रयागराज में जो बुलडोजर है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसके पीछे जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उसके अधिकारियों की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि जो बिल्डिंग मोहम्मद गुलाम ने बनाई थी वो उसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था, यानी कि वो अवैध निर्मित की गई थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से उसको अवैध रूप से निर्मित किया गया था और इसका कोई भी नक्शा पास नहीं कराया गया था। तो प्राधिकरण की तरफ से शुरुआती दौर से अभी तक जितनी भी कार्रवाई प्रयागराज में हुई है चाहे वो सफदर अली के घर पर की गई हो या फिर दूसरे जो अन्य आरोपी इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहे हैं उनके घरों पर जो भी कार्रवाई की गई है उसमें प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से यही तर्क दिया जा रहा है कि ये इलीगल निर्मित की गई थी, अवैध रूप से निर्मित की गई थी बिल्डिंग, इस पर कार्रवाई की जा रही है। और आज भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से यही तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध रूप से निर्मित की गई थी, इसका नक्शा प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया था, इसीलिए इसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अशोक, हम लौटेंगे आपके पास जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये मेन शूटर रहा है, उमेश पाल की जान इन्हीं की गोली से गई है, यानी कि मोहम्मद गुलाम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।